हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आंवला का जूस। इसमें हमें शुगर या फिर जैगरी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और बाजार से जो हम आंवला जूस लेके आते हैं वो प्रिजर्वेटिव से भरा होता है। ये जूस आप घर पे बनाइए, इसके कई फायदे हैं जो शायद हमें बाजार के जूस से भी नहीं मिलते। तो चलिए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे चॉप करेंगे और इसके अंदर सीड है वो बहुत कड़क होती है, इसे बाजू में हमें निकाल के रख देना है। और अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप ग्रेटर का अटैचमेंट लगा के इसे फटाफट ग्रेट कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखें, अगर आप बाजार से आंवला लेके आए तो स्मॉल पोर्शंस में लेके आए, क्योंकि फ्रिज में भी अगर हम ये 3-4 दिन से ज्यादा रखें तो ये काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 5 आंवले लिए हैं। इतने आंवलों में अंदाजन 5 से 6 ग्लासेस बन जाते हैं, डिपेंडिंग आपको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, कितना माइल्ड चाहिए। अब हमें इस आंवला को मिक्सर में फाइन पेस्ट होने तक अच्छे से पीसना है। इसमें आप नमक डालें स्वाद अनुसार, रेगुलर नमक की जगह पे आप काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छे से पीस लें। इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और फिर से थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लें। अब ये अच्छे से फाइन पेस्ट हो चुकी है। अब एक स्ट्रेनर की सहायता से हमें इसका जूस निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बड़ा स्ट्रेनर यूज किया है और इस पल्प को इसमें से अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी। अब फिर से हम ये पल्प को मिक्सर में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा ग्राइंड कर ले। अब हमने सेकेंड टाइम ग्राइंड कर लिया है। अब इसे फिर से अच्छे से स्ट्रेन करें ताकि ये पल्प का सारा जूस हम निकाल लें। ये प्रोसीजर हमें करीबन 2 बार रिपीट करनी है ताकि सारा आंवला का जूस निकल जाए। अभी ये जूस जो हमने स्ट्रेन किया है वो हल्का सा स्ट्रॉन्ग है, इसके हम 4 से 5 ग्लास आराम से बना सकते हैं। आप इस कॉन्सेंट्रेटेड आंवला जूस को 2 से 3 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने एक ग्लास जार यूज किया है। अगर आपको इमीडिएटली नहीं पीना है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं या फिर फ्रेश आंवला जूस इमीडिएटली एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। यहाँ मैंने 1/2 ग्लास कॉन्सेंट्रेटेड जूस और 1/2 ग्लास पानी यूज किया है। आपके हिसाब से ये जूस डाइल्यूट कर सकते हैं और बस अर्ली मॉर्निंग या फिर दिन में कभी भी आप एंजॉय कीजिए ये फ्रेशली मेड आंवला जूस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।